अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह उठ गए थे फ्रेंड्स और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज हमें जाना है थोड़ा सा दूर। आज हम लोग कहाँ जाएंगे ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये है दरिया कोनार्ड्स का ब्रिज। अभी तक तो हम लोग नारान में बस यहाँ से निकल रहे हैं। आबशार इतना खूबसूरत है, देखिए ये यहाँ पे भी है और इस पूरे साइड में भी है, माशाल्लाह। आज हमारा सेकंड लास्ट डे है नारान में और आज अभी हम लोग जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ, जो तकरीबन 13,000 फुट हार्स भाई नहीं करो तब 13,200 फुट ऊपर है। और यहाँ पे नारान में इतनी सर्दी है फ्रेंड्स कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पीने वाला पानी। देखे फ्रेंड्स, ये सबसे खतरनाक आबशार का पॉइंट है, उस तरफ से इतना ज्यादा बह रहा है ना। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्फ है सारे जगह, जिन्होंने बर्फ की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं वहाँ तक, और वहाँ पे एक चेयर भी पड़ी आ रही थी, शहनशाह की चेयर। फ्रेंड्स अभी इस जगह आए हैं, यहाँ से कूलर में अपने पानी भरेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया है, उस साइड जाएंगे। और गाइस कूलर किधर है? चश्मा चेंज हो, कूलर किधर है? जे हारिस भाई और सुफियान ने ऐसे कूलर भरेंगे पानी भाई। ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। ओके कितने का है बताना जरा? 2 रुपए का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जल्दी से जाना था ताकि हमारा सफर ज्यादा लंबा ना हो। और यहाँ से सारे बेस्ट जो व्यूज थे वो स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से एक रास्ता है जो दो तीन पत्थर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग 10 घंटे में पैदल जाना होता है या फिर घोड़ों पर जाते हैं, लेकिन ज्यादा पैदल ही जाना होता है, वो भी 10 घंटे। जहाँ जहाँ अभी हम लोग घूमे ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब लोगों ने बोतलें ठंडी करने के लिए हमेशा ऐसे ये पानी यूज़ किया। यहाँ पे इनको फ्रीजर या कूलर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यहाँ पे भी हमारे साथ दरिया कोनार्ड जा रहा है, ये हम यहाँ से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लेक है, लोलोसर लेक, जो इस रास्ते में आता है फ्रेंड्स। और हमने सोचा था, डिसाइड किया था कि हम लोग वापस आते वक्त यहाँ पे ठहरेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बर्फ 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 हर जगह ही बर्फ। वो देखिए फ्रेंड्स, बर्फ के अंदर अंकल फोटो शूट कर रहे हैं। फाइनली फाइनली अभी बाबूसर टॉप जितना करीब आ रहा है, हर जगह में बर्फ ही बर्फ दिख रहे हैं फ्रेंड्स। वो एक्टर हमें इस रास्ते से देखा था और ये उसकी कार है। तकरीबन 15-20 मिनट तक फ्रेंड्स हम उसी को देखते रह गए कि उसकी कार किधर चली गई, लेकिन फिर उनकी कार चली गई थी आगे, तो हम लोग समझ गए शायद वो आगे की तरफ चले गए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर है और वहाँ पे एक एक्टर है जो ड्रामों में आता है, उसको हमने देख ली। फ्रेंड्स हमने उस एक्टर को देखा ना, वो हमारी कार के पास से यूं गया था पहले ना, तो अभी वो फिर से आया, तो जब हमने उसको देखा तो डायरेक्ट मैंने उस एक्टर को अंकल बोल एक्साइटेड होकर। यहाँ पे फ्रेंड देखिए बर्फ कितना साफ कर रहे हैं, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है ये। फ्रेंड्स ये देखो, हमारे कपड़ों के साथ एक माइलो का छोटा सा बाल लगा था। फ्रेंड्स
ये देखे फ्रेंड्स वो जिपलाइन देखे कितना ऊपर है वो कितना मजे का है। ये है बाबू सर टॉप फ्रेंड्स जिपलाइन देखे फ्रेंड्स वहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे ख़त्म है लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक नहीं क्योंकि आपने नीचे कोई खाए नहीं इतना खतरनाक नहीं लगा। बाबू सर टॉप 13,700 फुट पे फ्रेंड्स और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है पूरा व्यू फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। ये फ्रेंड चाइनीज चिंग चंग चिंग चंग चाइनीज इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सब एक जैसे दिख रहे हैं। पूरी फैमिली आई है यहाँ पे बाबू सर टॉप 2। फ्रेंड्स चाइनीज भी बोल रहे हैं जिनपे बाइकर एक साइकिल वाली जिप लाइन है इसको पता नहीं क्या कहते हैं। पे फ्रेंड्स कैसे चढ़ सकते हैं लोग यहाँ पे ना बर्फ है ना कुछ लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है इतना मतलब अजीब सा हो रहा है ना कि हाथ सारे सुन्न हो चुके हैं फ्रेंड्स हाथों का हाल देख सकते और इतनी ज्यादा चढ़ती है ना कि पहाड़ों पे तो बर्फ ही है लोग यहाँ पे जो आते थे लोग ना तो ये इतना रश नहीं था अभी तो इन्होंने पूरा पूरा कराची बना दिया मतलब इतना रश दुकाने देखे आप का सबसे प्यारा व्यू है फ्रेंड्स ये देखिए बादल यहाँ हमारे साथ साथ ही है दिल करे जाके इनको हाथ लगा और पहाड़ों पे बादल वाले इतने करीब है फ्रेंड्स विक्टर यहीं पे आ गया। हेलो सर हाय आपको कार से देख लिया था उधर कार में आपको दो बार देखा था आ गया था ब्लॉग। अब जब आ गए हैं एक्टर तो अब जाहिर सी बात है वीडियो तो हम बनाएंगे ही को हमने वहाँ से देखा था फ्रेंड्स और फाइनली ये बाबू से टॉप ही आ गया और फाइनली हम इनसे मिल गए। फ्रेंड्स ये देखे इतने सारे जिप लाइन यहाँ पे लेकिन हमें यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत डर लग रहा है फ्रेंड्स मेरे हाथ देखे मैं वो क्या कहते हैं ग्लव्स लाना भूल गए और कार में ही छोड़ दिया इतनी सर्दी है ना लेकिन फिर भी ब्लॉग्स बना रही हूँ और सर्दी है यहाँ पे हम लोग 13,000 फुट पे आए इतनी सर्दी बर्फबारी नहीं है लेकिन बहुत सर्दी है और फ्रेंड्स आपको पता है हम लोग उस एक्टर से मिल गए क्योंकि उसकी फॉर्च्यूनर हमारी कार के एक बार साथ थी और फिर फ्रेंड्स दूसरी बार यहाँ से साथ आ गई थी तो हमने कहा हम इससे मिलेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग पहले समझ गए शायद कहीं और निकल गए लेकिन ये यही पे थे। मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया कहते वो एक्टर यही पे फ्रेंड्स आप लोगों ने व्लॉग में भी देखा होगा मैं झूठ नहीं बोल रही थी वो एक्टर यही पे थे। इतना दूर आ गए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप बर्फ है बर्फ के करीब आए हैं हम लेकिन ये बर्फ थोड़ा गंदा सा है फ्रेंड्स मुझे सांस इतनी मुश्किल से ले जा रही हूँ मैं दिल अजीब सा हो रहा है यहाँ पे मुश्किल रास्ता है यहाँ से जाने का फ्रेंड्स इतना खतरनाक रास्ता है ये फ्रेंड्स यहाँ पे कड़ी हुई यहाँ पे पीछे बर्फ़ है मास्क भी लगाया तो क्या हवा नहीं आई लेकिन इतनी हवा चल रही है यहाँ पे भी नीचे जा रही है बर्फ़। अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कैसे जाऊँगी मैं फ्रेंड्स ये जो रास्ता है ना ये हमारी वापसी का रास्ता है ये पूरा उस साइड जाएगा और हम लोग अभी इतने टॉप पर ना फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी सर्दी है ना मेरे हाथ तो अभी भी सुन्न हो रहे हैं। ओके 42-3 फाइनली यहाँ पे बर्फ आ चुका स्लिप हो रहा है ये बहुत ज्यादा स्लिप है। वो हारिस भाई और सुफियान खड़े हैं फ्रेंड्स इतना ऊपर है आ जाओ हारिस भाई आ जाओ नीचे आ जाओ अब बहुत मजा आ रहा है बर्फ है आ जाओ जल्दी आओ यहाँ पे हर साइड जितनी भी बर्फ है ना फ्रेंड्स ये सब स्लिप हो रही थी और इतने लोग भी गिर रहे थे हर कोई स्लिप हो रहा था क्योंकि हम लोग बस ख्याल रख रहे थे कि हम लोग एंड में नहीं जाए क्योंकि अगर हम लोग स्लिप हो जाए तो हम लोग नीचे गिर सकते थे। अगर हम फोर पीछे चले गए ना तो हम गिर जाएंगे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे धूप भी निकल गई है और यार देखिए यार इसमें मेरा डेनिम जैकेट चुरा के पहन रहे हारिस भी का व्यू कैप्चर हो गया ये मेरा पहले सुफियान ने मेरा सच और अभी हारिस भाई नहीं बता रहा नहीं फ्रेंड्स ये जैकेट सुफियान का लेकिन ये मैंने ले लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेकिन अभी हारिस भाई भी हमसे चोरी कर रहे हैं। हर जगह बर्फ ही बर्फ है लेकिन फ्रेंड्स इतनी साफ बर्फ नहीं है इतनी गंदी बर्फ है देख सकते हैं आप इसके नीचे भी साफ बर्फ नहीं है। सभी जाने लगे ऊपर फिर और कोई व्यू जाएंगे वो यहाँ पे कैप्चर करेंगे yeah.
ढूंढते हैं फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं अभी, ढूंढ रहे फ्रेंड्स अपने घर वालों को जो हमें बिल्कुल छोड़ गए। फ्रेंड्स वो रहा साइकिल वाले जिपलाइन, वो अंकल कर रहे, बहुत डर लगता है अंकल कह रहे, कुछ लगती रस्सी पे कुछ चला रहा है साइकिल। मेन पॉइंट ये है फ्रेंड्स, बाबूसर टॉप के यहाँ पे सारे मैप्स बने और यहाँ पे लिखा भी है बाबूसर टॉप, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे सब आके अपनी पिक्स निकाल रहे फ्रेंड्स, फिर इतना रश चला फ्रेंड्स, ये देखिए चील इन्होंने हाथ में रखा है, इतना ये है बाज। वाला जो रास्ता है ना, ये जाता है गिलगित और हुंजा की तरफ। इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग जाएंगे कल, हुंजा जाएंगे कल इंशाल्लाह। फ्रेंड्स अभी अभी आपको ने बताया कि ये वाला जो टावर है ये सेटकॉम है, और ये यहाँ पे गिलगित और ये इलाके बाबूसर टॉप के लिए यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए पूरा टावर लगा, क्योंकि बहुत जगह में टावर जो होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से वाईफाई बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये टावर है तो मतलब यहाँ पे सिग्नल्स होंगे। आजकल के लोग यहाँ पे बाइक्स पे आते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सारे बाइकर्स आए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ का रास्ता इतना मतलब लंबा है, लेकिन फिर भी लोग देखे बाइकर है और बाइक्स पे आते हैं। तो बस फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं आगे, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ये वाला जो सफर था ये हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। फ्रेंड्स एक और जगह है यहाँ पे आकर हम लोग रुक गए हैं, यहाँ पे लिखा है जलकंड चिल्लास, और ये है ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं। हम लोग यही रास्ते में जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे इतना प्यारा व्यू नीचे शो हो रहा था, तो हमने कहा यहाँ पे स्टे करते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हमने फिर खींची अपनी ग्रुप पिक्स। यहाँ पे बर्फ बहुत कम है फ्रेंड्स, लेकिन जो हवा चल रही है ना उसकी वजह से सर्दी इतनी बढ़ रही है ना फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने एक ये वाली जगह में स्टे लिया है, ये पूरा एक मेडोज टाइप का बना है, एक ग्राउंड है और वहाँ पे पानी बह रहा है और इतना प्यारा व्यू है, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे नीचे। वो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा व्यू है, माशाल्लाह से फ्रेंड्स यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा है, वो पहाड़, ये पूरा एक खुला मैदान और वो गाय जानवर, इतना खूबसूरत लग रहे हैं ना ये सब। फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी सर्दी है ना कि मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहने, एक हाथ में नहीं पहने क्योंकि व्लॉग भी बनाना है, और चला भी नहीं जा रहा, इतनी सर्दी है ना फ्रेंड्स कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। बाबूसर टॉप में भी फ्रेंड्स इतनी सर्दी थी ना, और यहाँ पे भी पानी है ना, पानी जब होता है वहाँ पे ज्यादा ही हवा चलती है, ज्यादा सर्दी में दिल इतना अजीब सा हो रहा है फ्रेंड्स। मैं इसलिए इतना तेज़ बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हवा की वजह से आवाज़ ना बहुत अजीब सी हो जाती है, फिर कुछ समझ ही नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि जोर जोर से बातें करूँगी आप लोगों से। पानी जा रहा है ना फ्रेंड्स, इसके पास जाना है हमें, और लेकिन इतनी सर्दी है मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी बाइकर्स आए हैं, आजकल तो बाइकर्स का ही दौर चले, लेकिन बाइकर्स में ज़्यादा लड़के होते हैं, कितना सेटअप करके ये लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास कौन आए इतना झूठ से, बहुत बदतमीज लड़का है। फ्रेंड्स ये वाली जो जगह है ना, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बनी और यहाँ से ये पानी निकल रहा है। देखो ऐसे करो, ऐसे करो हाथ, आप लोग देखो हाय सलाम करो, सलाम सलाम करो। साइड होने वाले क्योंकि उस साइड बारिश हो रही है, तो बस अभी हम लोग जाने लगे अपनी कार के पास, वो रही हमारी कार खड़ी है, बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। और ये जो एक मतलब एक पूरा मैदान टाइप का था, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि बारिश आने वाली है, फिर बारिश में फंस जाएंगे, फिर लैंड स्लाइडिंग होती है, अल्लाह ना करे ऐसा। फ्रेंड्स बस जा रहे हम लोग यहाँ से, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और बस अभी निकलने वाले थोड़ी सी देर में, कार हमारी उस साइड और बस हम भी उधर जा रहे हैं। फ्रेंड्स बारिश आने वाली है फुल, फ्रेंड्स बारिश बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है यार, और अभी हमें जाना भी है, निकलना है, बस दुआ करें, बस बारिश आने वाली है फ्रेंड्स, बस हम जा रहे हैं अब। ये जिस जगह हम रुके थे इसका नाम था गिट्टीदास, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि एक मेडोज टाइप का था, और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था, सर्दी बहुत थी लेकिन मज़ा बहुत आया। फ्रेंड्स ये देखिए आगे लुलुसर झील है, और वहाँ पे धुंध देखिए फ्रेंड्स, ये वाला व्यू देखिए, यहाँ पे बारिश भी है, पहाड़ भी है, सूरज भी है, इतना अच्छा मौसम, और नीचे झील भी है। फ्रेंड्स जो दूसरा झील देख सकते हैं, वहाँ पे बारिश की बूंदें गिर रही है, और ये कितना प्यारा मौसम लग रहा है। हमें यहाँ पे झील में रुकना था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश इतनी तेज हो गई और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे। फ्रेंड्स रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, और फिर
विंडो भी ओपन नहीं कर सकती, इसलिए उसके बाद भी मैंने कोई व्यू कैप्चर नहीं किया। तो हम आ गए डायरेक्ट होटल, होटल में आकर मैं यहाँ से अपना व्लॉग कंटिन्यू करी हूँ फ्रेंड्स। और आज जो है हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज जो है हमने बर्फ़ देख ली, लेकिन वो इतनी साफ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देख ली ना, यही बहुत है फ्रेंड्स। तो अभी जाने लगे खाना खाने। पहले हम दो तीन जगह गए फ्रेंड्स, फिर वहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहते हैं ना कि सेटिस्फाई नहीं थे फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे। यहाँ का खाना कज़िन कहते हैं अच्छा है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा यहीं से खाना खाते हैं। होटल का नाम था जमजम फूड्स, यहीं से हमने खाना खाया फ्रेंड्स, और हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था। और बस फिर हमने थोड़ी देर हर दिन की तरह किया वॉक, और बस फिर यहीं से करती हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।